ऐसा कौन मेरे कौन दुनिया में आके बिना बिना पकड़ा सो तो पकड़ा ही रहा ले यहां पड़ी है तो जेल में हूं ये घर है ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों का स्वर्ग से सुंदर अपना घर, लेकिन यह घर हमेशा 6 महीने में स्थानांतरित होता रहता है क्योंकि इनके घर का स्थानांतरण इनके रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। जहाँ मौजूद है आस्था, रहन सहन, रोजमर्रा की क्रियाकलाप और मनोरंजन के संसाधन। अब सवाल नंबर 2, इनके बच्चों की शिक्षा। तो इनके बीच से शिक्षा कोसों दूर खड़ी है, जिसको हासिल कर पाना इनके लिए असंभव है क्योंकि इनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, ऐसा इस समूह के लोगों का कहना है। तो ऐसे में इनकी शिक्षा दीक्षा खेल खेलने में, रोजी रोटी के काम करने में और परिवार की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में पूर्ण हो जाती है। और जब सवाल मैंने पूछा उनके पलायन और शिक्षा को लेकर, आपका क्या नाम है? मेरा दुर्गराज चौहान नाम है। कहाँ से? बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या करने आए? यहाँ पर जैसे भट्टे पर काम करते हैं, मजदूरी मेरा मिलता है, इसीलिए काम करने आते हैं। अच्छा, आपके यहाँ नहीं है भट्टा? है भट्टा, मगर उधर पैसा थोड़ा कम देता है लोग। ऐसा कम देता है? हाँ। ठीक है, आप लोग तो मान लीजिए 6 महीने के लिए यहाँ आते हैं। हाँ, आता फिर 6 महीने बाद चले जाएंगे। हाँ, 6 महीने चले जाएंगे। तो आपके बच्चे का तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो क्या करें सर, मेरा पैसा नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, बर्बाद हो चाहे दे हो। यहाँ पर कोई विद्यालय नहीं जहाँ आप पढ़ा सकते हैं? विद्यालय है तो कहाँ से कर पाएंगे, बच्चे जाते हैं, लोग देता है खाना, कभी नहीं देता है, लोग भाग जाते हैं बच्चे लोग। तुमको अगर पढ़ाया तुम पढ़ोगे? बोलो बोलो, जोर से बोलो, बताओ पढ़ोगे? बोलो, पढ़ेगा ये तो होगा ना, ये तो पढ़ाएंगे कहाँ? तुम्हारा कभी इच्छा नहीं होता पढ़ाई करने के लिए? तो यहाँ स्कूल है उधर, तुमको जाना चाहिए पढ़ाई करने। तो आप अकेले आए हैं कि आपके साथ में बहुत सारे फैमिली वाले हैं? हाँ, यहाँ 50 के लगभग है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका भविष्य कच्चे ईंट के घर घरौंदों में हंसते खेलते आपसी किलकारियों में लड़खड़ाते पैरों से चलकर आस्था में सिमट गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की गूंज करते हुए कर्म ही पूजा है, लेकिन बिना ज्ञान के इंसान जानवर है, इन्हीं जानवरों की तरह। यह है इनके खच्चरों के रहने का घर। खैर, अब हम इनके कामकाजी जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। और काम बढ़िया चल रहा है आपका? हाँ, काम बढ़िया चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहाँ रख दिए इसको? रख दिए, काम खत्म हो गया? काम खत्म। कितना पैसा मिल जाता है? 8,000 देते हैं, 7,000 देते हैं। 7 या 8 हज़ार रुपये मिलता है, खाने का भी देते हैं। आप पढ़े हैं? पढ़े नहीं हूँ साहब। कुछ भी नहीं पढ़े हैं? नहीं। तो हिसाब कितना पैसे करते हैं? हिसाब वही ज़्यादा है। कहाँ के रहने वाले हैं? कप्तानगंज बस्ती। कप्तानगंज बस्ती। तो वहाँ पर आपके परिवार में बच्चे जो हैं वो पढ़े वढ़े पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं। अच्छा,
घंटे का काम करते हैं? नियम नहीं है। अच्छा, कोई टाइम नहीं है काम का? कभी कभी शाम हो जाता है, कभी कभी रात हो जाता होगा, कभी दोपहर में ही काम खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे काम खत्म होता है तो आप फ्री हो जाते हैं। बच्चे पढ़ते नहीं आपके वहाँ? नहीं, ज़्यादा पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बच्चे? हाँ। अच्छा, तो क्या चाहते हैं बच्चे पढ़ लिख करके क्या करें? अच्छा, गाड़ी बनाना सिखाएंगे। अच्छा अच्छा, आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा ये काम करे ना करे? हम काम करें, आप चाहते हैं आपका बच्चा ये काम ना करे? क्यों? आप इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत है इसलिए? मुझे नहीं लगता है इनके मेहनत के हिसाब से इनको मेहनताना मिलता है, लेकिन जब रोटी का सवाल हो तब हर इंसान बेबस और मजबूर हो जाता है, फिर चाहे पुरुष हो या महिला। ये दर्द है ईंट भट्ठों पे काम करने वाले मजदूरों की, जिसको बयां कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। ऐसे में पेट पालें कि पूत, खाने को रोटी नहीं तो पढ़ाई लिखाई कैसे हो? कितने बच्चे? मतलब तीन बच्चे में मतलब कौन लड़की कितने हैं? लड़की कितने? हमारा लड़की दो थी, लड़का एक था। अच्छा, दो लड़की एक लड़का। हाँ। तो कौन कौन क्लास में पढ़ते हो लोग? बच्चा लोग? हम लोग घर से नहीं तैयार। अच्छा, अभी 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 पढ़ाई नहीं कर रहे हो? पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं तो हम लोग स्कूल नहीं जाते, हमको उतना। अच्छा, मालूम है। बिहार में भी वहाँ पर भी तो ईंट पर का दुकान मतलब वहाँ पर क्यों नहीं आप लोग काम करते? नहीं करते हैं पैसा वहाँ पर, जैसे हम कोई कास है तो भट्ठा पर हमारा 50-60 हज़ार तो वहाँ पैसा कास होगा इतना तो नहीं देता, इसलिए यहाँ पर पैसा मिल जाता काम आता है तो। यहाँ पर कितना मिलता है? यहाँ पर जैसे लेके आएंगे पैसा यहाँ पर 600 रुपये देता है। 600 रुपये हफ्ता? नहीं, 1000 में। अच्छा, 1000 अगर पाथेंगे तो 600 रुपये मिलेगा? 600 रुपये। आप लोग अगर यहाँ पर जो पैसे कमाई करते तो यहाँ से ले जाकर वहाँ पर अपना घर बनवाना करना कर लेते हो जाता उतनी में? नहीं, घर जाता उतना कहाँ होगा, ईटा का घर होगा अपना में। कुछ इन साल बनाया, कुछ पर साल बनाया है, ऐसे कर करके बनाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। पर बच्चों का अपना, जैसे ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो ये लोग पढ़ाते लिखाते कैसे? तो पढ़ाने लिखाएगा, पैसा उतना भर रहता तो पढ़ाएंगे कि पेट पालेंगे। और पूजा पाठ जैसे कि मंदिर बनाते हैं लोग, हाँ, तो अगर यहाँ पर भी आप लोग जैसे रह रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पर भी कुछ मंदिर टाइप के जैसे बनाते हैं, बनाकर पूजा पाठ करते हैं? आइए दिखाते हैं, ये इनका घर है। ये देखिए, ये लोग इसी में रहते हैं। ये पूजा का जगह है, देख सकते हैं, पूजा का जगह है। यहाँ पे ये लोग पूजा पाठ करते हैं। ये ठीक है, शंकर भगवान मंदिर का पूरा, सबकी अपनी अपनी एक आस्था होती है, आप लोगों की भी आस्था है। ये लोग यहाँ पर भी मंदिर बनाए हुए हैं। जय हो शंकर भगवान, इन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आपके आपके ये आपकी बेटी है? इनके पति क्या नाम बिहार में है, जो घर
पर बैठे हुए दारू पीते रहते हैं, ये अपने माँ के साथ यहाँ पर बैठे पर काम करने चले जाएँ। अगर आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे तो बच्चे का कापी कलम किताब खाना सब कुछ मिल रहा है, आप भेजने की कोशिश करिए। यहाँ पर भी स्कूल है वहाँ पर भेजिए, वो लोग पढ़ने देंगे, ऐसा नहीं नहीं पढ़ने देंगे, आप भेजने की कोशिश करिए। ईंट पकाते लोग ऐसे ईंट भट्ठे पर ईंट को पकाया जाता है। ये सभी कारगर ईंट पकाने वाले लोग हैं, ये लोग 2400 घंटा काम करते हैं। ये काम करने में खतरा बहुत है, लोगों का तो काम लगातार होता रहता होगा, लगातार 24 घंटा ईंट पकाने में कोयला और लकड़ी की जरूरत पड़ती है, जिससे कच्चे ईंट को पकाया जाता है। ये ईंट पकाने की गैलरी है। लेकिन ईंट पकाने से पहले कच्चे ईंट पर राविश डाली जाती है, जिस प्रक्रिया को अंजाम देता यह व्यक्ति। कहाँ से? नालंदा जिला से। कहाँ से? नालंदा। नालंदा बिहार से। अरे झंडा उंडा क्यों लगाए हैं? ये झंडे जो पहला जो पथाई करता है शुरू बार रात के लोग इसीलिए खुशियाली पूजा करता है। अच्छा, शुरू मतलब डेली सुबह सुबह? नहीं नहीं, हाँ जो पहला बार उधर से आता है सभी। अच्छा, जो लोग बाहर से आते हैं पहली बार तो पूजा पूजा कर कर। अच्छा, जब आते हैं यहाँ पथेड़ी लोग ईटा पाथने के लिए, वो लोग जब पाथने से पहले इसका पूजा करते हैं लोग? उसके बाद पथेड़ी करते। अच्छा, उसके बाद तब तो खूब अच्छे से पर्व मनाते होंगे, प्रसाद उरसाद भी बांटते हैं, है ना? फिर तब शुरू होता होगा पथेड़ी। आप अकेले हैं क्या? तो हम लोग आए हैं तब मतलब कि टैक्सी पैसा लेकर आए हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, तो जो पानी पड़ेगा जो काम नहीं होगा तो मेरा पैसा कैसे सटेगा? अच्छा, किसी भी अच्छा पैसा लेके आए पहले? हाँ, पैसा ले लिया हम लोग, सब पैसा लेकर आते हैं। अच्छा, मान लीजिए जो पानी पड़ रहा था हम लोग को नुकसान जा रहा था, पैसा कैसे सटेगा जब मौसम जब खराब है? तो मालिक से पैसा ले लेते हैं पहले? हाँ, हम लोग पहले ले लेते हैं। अच्छा, तो हम लोग की कमाएंगे सटाएंगे, जो सटाने को जो मौका ना दे रहा है भगवान, बारिश नहीं सटेगा तो ही पैसा फिर आना पड़ेगा। इसी पैसे इसी पैसे फिर बुलाएंगे मालिक आप लोग को आके, फिर यहाँ पे वो काम करना होगा जो कर रहे हैं। तो फैमिली से आए होंगे आप लोग? हाँ। अच्छा, तो आप सबके कितने लोग आए हैं? हमको फैमिली में है 5 जने हैं। आपके? हम लोग भी 5 जने। अच्छा, तो शादी ब्याह हो गया होगा? हाँ, शादी ब्याह होता ना हुआ 5 आदमी अलग हो जाएंगे कल 5 आदमी क्या भैया? आप सबके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? पढ़ता है हम लोग के बच्चे, इसी में दिन कट जाता है। क्या चाहिए? यही काम करते हैं हम, वही काम बच्चे पढ़ते हैं। इसका मतलब? अच्छा, खाने भर तो मजदूरी होता है, तो उसमें क्या करेंगे? जो पानी जो पड़ा है उसमें काम भी नहीं मिलता है, बैठे हैं। अगर 2 पैसा का रोजगार भी रहता तो चलता, वो भी नहीं। और जो खा रहे हैं वो भी माथा पर चढ़ रहा है, फिर जो पहले खा कर आए वहाँ से वो भी भर रहा है। और मतलब काम भी जाने मिल रहा है, अभी तक नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो आपने तो ये झंडा उंडा इसीलिए लगाया गया कि मतलब हम लोग पूजा उजा करते हैं, पूजा उजा करके बकायदे तो फिर मंगल में भी पूजा करते हैं हम लोग। बच्चे पढ़ाई भी करेंगे और ईटा भी पाथेंगे और पूजा पाठ भी करेंगे। आए कहाँ से? हम लोग आए जंगलून से, जिला संत कबीर नगर। अच्छा, संत कबीर नगर से ही आए हैं? जंगलून से? जंगलून से। अच्छा, आप सबका फैमिली भी आया साथ? सब हम लोग घर घर हैं, बाल बच्चे। हम लोग की खेती बाड़ी नहीं है सर जी। आपके बच्चे पढ़ते और तक नहीं पढ़ते कि नहीं? बच्चे एक बच्चा घर पे पढ़ता है, बाकी सब लोग हम लोग यही हैं। अच्छा, तो ये लदनी तो आप लोग जब करते हैं तो लदनी का कैसे मिलता है पैसा? चक्कर का मिलता है? हजार का मिलता है। हजार की? तो कौन कौन करता है? मुंशी जी। एक हजार का मिलता है? 250। कितने लोग आए होंगे पूरा कमेटी में आप सकते हैं? जितने लोग आए
अरे होंगे कम से कम 30 आदमी ज्यादा हैं। बच्चे बच्चे सब मिला और सभी लोग यही करते हैं। हमारा संदेश सरकार के पास पहुँचाइए कि हम लोग कोई रोजगार दें। अब जब पाठ करते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, हम लोग नमाज वमाज पढ़ते हैं। अच्छा, नमाज अदा करते हैं। हाँ, हम लोग मुसलमान हैं ना। उसके लिए टाइम कैसे निकालते हैं आप लोग? हम लोग 11 बजे बंद कर देते हैं। 11 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा, नमाज के लिए आप लोग टाइम निकाल लेते हैं, मतलब उसके लिए? हाँ, मालिक दे देते हैं अनुमति? हाँ, मालिक 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 तरफ से कोई कमी नहीं। दुखी